बुजुर्ग महिला को शेयर मार्केटिंग में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 27 लाख का ठगी उनके साथ कर लिया गया और नो नंबर से मैसेज आता है जिसमें एक लिंक दिया रहता है। जैसे ही महिला उस लिंक को ओपन करती है, महिला लालच के चक्कर में अपने पैसे डबल करने के चक्कर में उस व्यक्ति पे भरोसा करने लगती है और उस पे विश्वास करके उसके बताए गए प्लान पे इन्वेस्ट करना शुरू करती है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ लगातार आपको साइबर फ्रॉड के मामले दिखाती रहती है। वैसे ही एक और साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है जो कि सुपेला थाना अंतर्गत का है, जहां बुजुर्ग महिला को शेयर मार्केटिंग में प्रॉफिट दिलाने के नाम पर 27 लाख का ठगी उनके साथ कर लिया गया है। हम आपको विस्तार बताते हैं किस प्रकार उस महिला के साथ ये ठगी हुई है। महिला जो कि नेहरू नगर की रहने वाली है, जिसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें एक लिंक दिया रहता है। जैसे ही महिला उस लिंक को ओपन करती है, उसके बाद उसमें कई प्रकार के शेयर मार्केटिंग के टिप्स दिए रहते हैं। उसके बाद उस नंबर से उससे बातचीत होती है। ये जो पूरा मैसेज है उसे व्हाट्सएप पे आता है, उस अननोन नंबर से आता है, उससे बातचीत की जाती है और उस बातचीत में वो उसे प्रॉफिट बताता है कि किस प्रकार वो अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टमेंट करने से उसे कितनी प्रॉफिट मिलेगी। महिला लालच के चक्कर में अपने पैसे डबल करने के चक्कर में उस व्यक्ति पे भरोसा करने लगती है और उस पे विश्वास करके उसके बताए गए प्लान पे इन्वेस्ट करना शुरू करती है। इस प्रकार वो लगातार इन्वेस्ट करती है और जैसे ही वो इंसान उससे टेलीग्राम पर एक ग्रुप पे उसे जोड़ता है, उस ग्रुप के जरिए वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है। वो जो महिला है जो नेहरू नगर की रहने वाली है, वो ऑयल इंडिया कंपनी की रिटायर्ड महिला है, जिसने एक कम समय पे ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर पे उस व्यक्ति पे भरोसा करके लगातार इन्वेस्टमेंट करने लगती है। उसके बाद जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो ठगी का शिकार हो गई है, वो तत्काल सुपेला थाना पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराती है और वो बताती है कि इस प्रकार वो शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट कर वो 27 लाख अपने डुबो देती है। इसी पूरे मामले में एडिशनल सेल ने बाइट दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुने आगे। सुपेला थाने में एक मामला पंजीबद्ध हुआ है जिसमें लगभग 27 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। एक महिला प्रार्थिया ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के, फिर उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ करके उसको शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का झांसा दे करके उससे 27 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये जागरूकता की कमी की वजह से ऐसे झांसे में आ जा रहे हैं। भय और लालच दो चीजों से बचे तो निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है और दुर्ग पुलिस की अपील है और लगातार हम ये कार्यक्रम भी चलाए साइबर जागरूकता का और हमारे साइबर प्रहरी ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें लोग जुड़े और साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है इस पर संबंधित जानकारी प्रदान करते रहते हैं। ये आपने सुना कि एडिशनल एसपी ने बताया कि किस प्रकार उस महिला साइबर फ्रॉड के चक्कर में फंसती है और लगातार दुर्ग भिलाई की पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को, पर उसके बावजूद भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस प्रकार साइबर फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसी प्रकार की अन्य खबरों को देखने के लिए केपी न्यूज़ में बने रहें।